हेलो, आज जो है हम एमएससी के एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं कि एमएससी का जो चाहे वो बॉटनी है, चाहे जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, या जो भी दूसरा सब्जेक्ट है, जो भी है ना, तो एमएससी का एग्जाम टोटल ओवरऑल बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, करने कैसे हैं, कितने मार्क्स के हैं, क्या टाइप हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो सब कुछ, उसके ऊपर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ आ रही है आपको? उसके ऊपर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, आपके जो एग्जाम रहेगा ना, उसके ऊपर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपका जो एमएससी का जो पेपर रहेगा वो दो पार्ट्स में बढ़ा रहेगा। इस बार का जो पेपर रहेगा आपका एनईपी का जो पेपर एग्जाम पेपर, ठीक है, इस एग्जाम पेपर को दो पार्ट्स में बांट लेंगे हम, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए के अंदर जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, और 10 क्वेश्चन जो है उसमें से पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कितना? 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 10 × 2 = 20 मार्क्स का पेपर आएगा। कितने का आएगा? 20 मार्क्स का पार्ट ए पेपर आएगा, और 2 क्वेश्चन इच यूनिट से आएंगे, और दोनों के दोनों ही करने कंपलसरी होंगे। ये तो हुआ पार्ट ए की बात। जो पार्ट बी आएगा आपके, उसके बाद पार्ट ए के बाद पार्ट बी, देखो सारे एमएससी में यही सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है ना, सारी एमएससी का जो सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम है उसमें यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम के अंदर पार्ट बी के अंदर भी टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन पर यूनिट। इसके अंदर आपको चॉइस मिलेगी। क्या मिलेगी? चॉइस क्वेश्चन मिलेगी, जो चॉइस मिलेगी क्वेश्चन में, जो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन के अंदर ए और बी, या तो ए कीजिए या बी कीजिए, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है तो ए कर लीजिए आप, या बी कर लीजिए। यहां पर आपको चॉइस मिलेगी, यहां लिख लेता हूँ, यहां पर आपको चॉइस मिलने वाली है। पार्ट बी के अंदर 10 2 क्वेश्चन, और ए, या तो ए कीजिए और बी, ठीक है। और इसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? टोटल क्वेश्चन आएंगे 5। टोटल करने 5 है, टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं? 5। किसमें से? 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन इच यूनिट, और उसमें से करने कितने हैं? 5 करने हैं, और 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। टोटल आपको कितने मार्क्स का पार्ट बी मिलेगा? 50 मार्क्स का पार्ट बी मिलेगा आपको। यानी कि अगर हम लोग देखें तो 20 मार्क्स का पार्ट ए, ठीक है, और 50 मार्क्स का पार्ट बी, ठीक है, टोटल आपका पेपर होगा 70 मार्क्स का। टोटल कितनी होगी? 70 मार्क्स के। इस 70 मार्क्स में से आपको इसका 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। कितना? 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इट मीन्स ये 40/100 × 70, ये करेंगे ना, 40% मार्क्स है ना, 40/100 × 70 है ना, 0 से 0, यहाँ पर कट कर 0 से 0, इस 0 से ये 0, 7 × 4 = 28 मार्क्स। मिनिमम 28 मार्क्स जो हैं आपको पासिंग मार्क्स हैं जो लाने कंपलसरी ही हैं, कंपलसरी, ठीक है, ये तो लाने कंपलसरी ही हैं आपको 28 मार्क्स। इससे नीचे आने पर, 28 मार्क्स से नीचे मार्क्स लाने पर क्या होगा? आप इस पेपर में आपको बैक मिल जाएगी, इस पेपर में आपको बैक मिल जाएगी। ये रहता है नॉर्मली एग्जाम पैटर्न। अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमारा जो है एग्जाम जो जैसे 5 को है, 7 को है, 9 को है, 11 को है, यानी कि सारे एग्जाम के अंदर ओनली 5 और 7 के बीच में 6, 7 और 9 के बीच में 8, यानी ओनली 1 1 डे का ही गैप मिल रहा है। 1 डे का कितना मिल रहा है? 1 डे का ही गैप। तो ऐसा तो है नहीं है कि आप अभी ही पढ़ने लगेंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा ना कि 1 डे ओनली रिविजन करने के लिए। हालांकि ये जो 1 डे मिल रहा है आपको, ये बहुत कम मिल रहा है 1 डे जो है, ये हकीकत देखा जाए तो 1 डे बहुत कम है, ज़्यादा मिलना चाहिए है ना रिवीजन के लिए। कम से कम 4 3 4 दिन तो आपको एग्जाम में डेट देनी थी, लेकिन चूंकि मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने ऐसा इसलिए किया होगा
क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव से पहले सारे सब्जेक्ट के एग्जाम क्लियर करवाने होते हैं उसको। तो इस कारण जो है यूनिवर्सिटी ने इस टाइप का आपका एग्जाम का पैटर्न बनाया होगा, जो कि गलत है। वैसे तो बच्चों के लिए नुकसानदायक है, गलत है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ क्या, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं, उससे पहले हाँ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, पर एग्जाम से पहले जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यह है कि अभी जो है कुछ बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है, तो उसको लिए क्या करना। देखो, अगर आपका आप जूलॉजी है, मेसी में जूलॉजी है, तब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा आपको मेहनत की जरूरत है। आप अगर पिछले सालों का पेपर उठाए या पिछले साल का सिलेबस देखे, जहाँ सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं है वहाँ पर, तो उनका जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के ही वापस सेमेस्टर फर्स्ट में डाल दिया, नया कुछ विशेष ऐड किया हुआ ही नहीं है। तो अब आपको मेहनत कहाँ करनी है, शांत दिमाग से आपको अगर ओल्ड ईयर पेपर देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी की जगह पर इसी अगर आप बॉटनी सब्जेक्ट देखें, अगर हम देखें बॉटनी सब्जेक्ट, तो बॉटनी के अंदर क्या होगा कि सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ जो न्यू ऐड कर दी है, न्यू तो क्या उसको इस ढंग से ऐड किया, आपको न्यू लग रही है तो न्यू ऐड कर दी, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री में भी सब्जेक्ट में कोई विशेष चेंजेस नहीं हुआ, तो वहाँ भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो वहाँ भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और जूलॉजी में तो बहुत हुआ ही नहीं है परिवर्तन, तो उनको तो खाली पिछले पेपर ही देखने हैं, है ना। अगर आप अभी आप एक दिन में क्या करोगे, आप पिछले पेपर रिवाइज कर सकते हो भाई, आपको मिनिमम 28 मार्क्स लाना अनिवार्य है ना, कंपलसरी। 28 मार्क्स के बिना आपका काम चलेगा ही नहीं, 28 मार्क्स के बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं। और जब ये 28 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं, तो जूलॉजी वाले जो हैं, जूलॉजी वाले क्या करेंगे कि आप पिछले सालों के पेपर तो कम से कम देख के जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको पेपर मेरे पेपर जो मॉडल पेपर आपको मिले हुए, वो भी देख के जाने हैं। बॉटनी में भी जो है मेरा मॉडल पेपर काम का ही है, मैं हमारी तरफ से जो मॉडल पेपर आपको मिला है वो काम का है, जूलॉजी में जो हमारी तरफ से मिला वो भी काम का, लेकिन आपको जो है पिछले सालों के क्वेश्चन देख के जाने हैं। अब प्रॉब्लम बच्चों को ये आ रही है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन, जैसे जूलॉजी के अंदर जो क्वांटिटेटिव बायोलॉजी वाला पेपर 4 था, वो बच्चों के लिए काफ़ी टफ साबित हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि वो मैथ्स टाइप है ना, मैथ्स टाइप है। अब जिस बच्चे ने पूरे साल नहीं पढ़ा और लास्ट मोमेंट पर अगर उस क्वांटिटेटिव बायोलॉजी को पढ़ने जाएगा, तो प्रॉब्लम तो आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। कोई भी टीचर आपको जो है सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं समझा सकता कि ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। तो कोई भी टीचर आपको डायरेक्ट नहीं समझा सकता, लेकिन हाँ अब लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर सकते हो, लास्ट मोमेंट पे ये कर सकते हैं कि आप शांति बनाए रखें और चुपचाप पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्वांटिटेटिव बायोलॉजी के अंदर बैक आ जाएगी, सेमेस्टर सेकंड के साथ दोबारा एग्जाम दे देंगे भाई। जो आपकी MSc फाइनल की जो मार्कशीट आएगी उसमें तो बैक लिखा हुआ नहीं आएगा ना, उसमें तो ओवरऑल आपका सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स के जो मार्क्स है वो लगे हुए आएंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेडिंग मिल जाएगी। तो अगर ऐसी बैक आ भी गई तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जैसे काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे हैं सर क्वांटिटेटिव बायोलॉजी जूलॉजी वाला पेपर जो है हमारा काफ़ी टफ है, या जो बॉटनी है उसमें स्ट्रेस फिजियोलॉजी जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है ना। तो वहाँ जो बोलो सर सेल बायोलॉजी में इतना प्रॉब्लम नहीं, पर स्ट्रेस फिजियोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ सब्जेक्ट हैं जो टफ हैं, नो डाउट कुछ सब्जेक्ट हैं जो टफ है ना। तो आपको करना ये है कि जो जितना आता है आप शांति बनाए रखें और उसको ही रिवाइज करें बार बार। एक एक दिन का गैप है, तो आप सोचो, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप नया पढ़ें, नया तो नहीं पढ़ सकते। अब जो अभी तक पढ़ रखा है उसी को वापस रिवीजन करें, पिछले सालों के पेपर देखें, हो सके तो कुछ मॉडल पेपर, वैसे मॉडल पेपर से कुछ विशेष इतना आते नहीं, मॉडल पेपर इतना कोई अवेलेबल भी नहीं है, फिर भी होता आप मॉडल पेपर भी एक छोड़ के देख सकते हैं और बाकी शांति से पेपर दें। अच्छा, एग्जाम में जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना, देखो सबसे पहले आपको पेपर पढ़ना है ना, सबसे पहले आपको पेपर पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ, आपको जो है स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स हैं टोटल आपके पास कितने हैं, 180 मिनट्स मिलेंगे आपको, 180 मिनट्स मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स हैं, ये 10 मिनट्स आप पेपर को रीड करेंगे, क्या करेंगे, केयरफुली उसको रीड करेंगे, और रीड करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं। देखो 28 मार्क्स तो आपको लाने ही हैं, तो आप 30 मार्क्स मान के चलो, 30 मार्क्स का टारगेट रखो, ताकि 28 मार्क्स तो इजीली आ ही जाए। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है आपके, और पर यूनिट जो है आपके 20 मार्क्स की हुई, 20 मार्क्स ही नहीं होगी, पर यूनिट सॉरी पर यूनिट 20 मार्क्स नहीं होगी, 2 क्वेश्चन टू टू 4 मार्क्स के होंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे,
पार्ट ए के, और वन क्वेश्चन आएगा पार्ट बी का। पार्ट ए का 2 क्वेश्चन है यानी कि 4 मार्क्स, पार्ट बी का ओनली 1 क्वेश्चन है यानी कि 10 मार्क्स। टोटल 14 मार्क्स की इच नीट है। 14 × 2 मतलब 28, 14 × 2 इक्वल टू 28, मतलब 2 यूनिट। तो मिनिमम आप अगर याद नहीं करेंगे तब आप अपनी बैक समझोगे, इस बार बैक आ जाएगी, यानी कि आपको मिनिमम 3 यूनिट तो कम से कम, जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको 3 और जो पढ़ रखे उनको 5 का 5 यूनिट तैयार करके जाना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना ये हिसाब। तो आप स्टार्टिंग में जब जो ही पेपर आता है आपको, पेपर आते ही आपको पेपर पढ़ना है। 10 मिनट्स आपको पेपर पढ़ने में लगेंगे। कितने मिलेंगे? 10 मिनट्स तो लगेंगे पेपर पढ़ने में। उसके बाद 10 मिनट्स पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, फिर उसमें 10 मिनट के अंदर आप पेपर के अंदर मार्क्स ऐड कर दोगे कि किस किस के अंदर आपको यूनिट के अंदर कौन कौन सा वाला क्वेश्चन करना है। इस बार ज़्यादा कोई हार्ड पेपर नहीं आने वाला, आपने जो बीएससी में पढ़े हैं ना वही क्वेश्चन यहाँ आने वाले। ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कहीं अलग से जो है आपको कोई अलग से पेपर मिल जाए, नहीं, जैसे बीएससी में पढ़े वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बीएससी वाले ही क्वेश्चन मिलने वाले, तो आपने बीएससी में पढ़ा ही है ना, तो लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, शांत दिमाग से आप समझोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर उस क्वेश्चन को जब आपने मार्क्स कर दिया कहाँ पर ये क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, जो पार्ट ए का जो क्वेश्चन, देखो आपको 10 मिनट्स तो आपको लग गया, कहाँ लग गया आपको, उसको पेपर को रीड करने में 10 मिनट्स लग गए पेपर को रीड करने में। और जो पार्ट ए है, पार्ट ए के इच क्वेश्चन को आप 2 मिनट्स दोगे। कितने दोगे? 2 मिनट्स दोगे, मिनिमम 2 मिनट्स दोगे। कितने दोगे? 2। टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 10 क्वेश्चन, यानी कि 20 मिनट्स इसको देने ही हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको 20 मिनट्स देते हैं, मान लो किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया, कुछ टाइम ज़्यादा लग गया, तब मान ले कि पार्ट ए को हम मैक्सिमम कितने नंबर मिनट्स देंगे? 25 मिनट्स देंगे, मान लेंगे, चलो मैक्सिमम आपको 25 मिनट्स देने हैं। कितने देने हैं? 25 मिनट देने हैं पार्ट ए को। अब पार्ट बी की बात करें, अच्छा पार्ट ए में जो 20, पार्ट ए की बात बात पार्ट ए के अंदर ही जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको मिनिमम 3 3 लाइन के अंदर लिखना है। एक्चुअली क्या होता है, एक लाइन को आप 30 वर्ड्स में लिखना होता है, कितना? 30 वर्ड्स में। और जो वन लाइन के अंदर 10 वर्ड्स आते, नॉर्मली हम लिखते हैं तो 30 वर्ड्स मतलब 3 लाइन के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। तो 3 लाइन से ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं देना आपको, 2.5 से 3 लाइन बननी है पार्ट ए के हर क्वेश्चन के अंदर, एमएससी के अंदर, है ना। और जो पार्ट बी का जो क्वेश्चन आएगा, पार्ट बी के अंदर जो है 500 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है। 500 वर्ड्स का मतलब ये हुआ टोटल कितनी लाइन लिखेंगे? 50 लाइन्स लिखेंगे। 50 लाइन के अंदर जो उसका आंसर आना चाहिए, और ये चूंकि हमें पता 10 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का है ये, 10 मार्क्स सही नहीं लिखा गया, टोटल 10 मार्क्स हम जानते हैं। तो पार्ट बी का जो इच क्वेश्चन है ना, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कितने मिनट देने हैं? पार्ट बी के प्रत्येक क्वेश्चन को अगर आप 20 मिनट देते हैं, कितने देते हैं? 20 मिनट, 20 मिनट देते हैं पार्ट बी के प्रत्येक क्वेश्चन को, तब भी आपको जो है टोटल करने हैं 5, यानी कि 100 100 मिनट मिल गए, ठीक है। लेकिन आपको देने कितने हैं? 20 से 25 मिनट इसको देने हैं, 20 से 25, और अगर आपका 25 मिनट लगता है तब भी आपको मिलेगा 125 मिनट। देखो अगर आपने पार्ट बी के क्वेश्चन को 20 से 25 मिनट यानी मैक्सिमम, अगर मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 मिनट देने हैं, तो अगर आप मैक्सिमम मैक्सिमम काउंट करें, क्या काउंट करें? मैक्सिमम मैक्सिमम, तो पार्ट ए के 10 मिनट तो आपको लग गया, किसको लग गया आपको? पेपर के रीड करने के लिए। मैक्सिमम 25 मिनट लग गए आपको पार्ट ए का क्वेश्चन के लिए, पार्ट ए के लिए 10 मिनट हो गया पेपर को आपने जो रीड किया उसके लिए, और मैक्सिमम 125 मिनट आपको लग गया पार्ट बी में। तो टोटल आपके कितने मिनट गए? 160 मिनट। टोटल आपके पास है कितने? 180 मिनट, 180 है टोटल, उसमें से 160 पीछे बच के 20 मिनट, 20 मिनट शुद्ध रूप से आपके पास बच गए। वापस आपको एक बार कॉपी रोल नंबर वगैरह सब कुछ देखने के लिए कि क्या कॉपी के अंदर सारे क्वेश्चन हुए हैं या नहीं हुए, या कुछ क्वेश्चन आता हुआ छूटा तो नहीं। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो आप 11th और 12th के अंदर जो
आपने साइंस पढ़ी है ना, वो ओनली उसका जो है ना इंट्रोडक्शन है। उसका क्या है, इंट्रोडक्शन था साइंस का। जो आपने बीएससी के अंदर जो साइंस पढ़ी है, बीएससी के अंदर जो आपने साइंस पढ़ी है वो उसकी डिटेल्स है, ठीक है। और जो एमएससी के अंदर पढ़ रहे हैं, एमएससी के अंदर जो साइंस पढ़ रहे हैं वो उसकी मॉलिकुलर लेवल पर जाके डिटेल है। आसन मारी, उसकी मॉलिकुलर लेवल पर डिटेल है। 11th 12th में हमने इंट्रो पढ़ा, फिर उसकी थोड़ी सी इंट्रो से डिटेल में गए, फिर उसकी जो मैकेनिज्म्स वगैरह है मॉलिकुलर लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल पर जो है मोड ऑफ एक्शन रिएक्शन है, ठीक है, या मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शंस हैं, या हम कहें कि मॉलिकुलर लेवल पे कौन कौन सी एक्टिविटीज या एक्टिविटीज कैसे होती, वो सारा एमएससी में आता है। तो अब जब आंसर लिखे तो ये ध्यान रखना कि जो भी है, जैसे बॉटनी है तो बॉटनी के अंदर मॉलिकुलर लेवल पर उसके अंदर रिएक्शन कैसे हो रही है ना। देखो नॉर्मली क्रैब साइकिल तो है, जो है ये क्रैब साइकिल में क्या हो रहा है सब जानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में क्या होता है सब जानते हैं ना। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में अब उसके केमिकल फॉर्मूलों के साथ उसको पूरा एक्सप्लेन, कौन सा आयन कहाँ जा रहा है, कौन उसके फॉर्मूला में क्या बदलाव हो रहा है, वो सब कुछ आपको लिखना होता है एमएससी के अंदर। तो एमएससी में आंसर लिखते समय ये थोड़ा सा अपना जो फोकस है इस उसके ऊपर ले जाए कि इस हम एमएससी के अंदर आंसर जो लिखेंगे वो मॉलिकुलर लेवल पर लिखेंगे, इस पर लिखेंगे, या मोड ऑफ एक्शन लिखेंगे है ना, या मैकेनिज्म्स जो है मोड ऑफ एक्शन कैसे हुआ, या मॉलिक्यूलर में क्या मॉलिक्यूल लेवल पे क्या क्या चेंजेज हो रहा है, वो फोकस होता है एमएससी पर आंसर लिखने में। तो आप जो एमएससी में आंसर लिखेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो आपका एग्जाम अभी तक आपने जो पढ़ा है वो पढ़ लिया, अभी आप रिविजन कीजिए, उस सारी चीज़ का रिविजन कीजिए, और रिविजन करके अच्छे से पेपर दीजिए, टेंशन ना ले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, देखो अब टेंशन लेने से क्या होगा, आता हुआ भी आप भूल जाओगे, ठीक है। और अभी वो भी टाइम नहीं है कब मैं आपको ऑनलाइन क्लास लगाऊं और आप ऑनलाइन पढ़ें, वो टाइम अभी आपके पास नहीं है। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो आपको कुछ ऐसा, अगर मान लो मैंने टॉपिक छेड़ लिया एमएससी की क्लास में, अगर मान लो मैंने ऐसा टॉपिक ले लिया जो कि आप कुछ बच्चों के लिए अनटच्ड है, कुछ बच्चों का मैंने अच्छा पढ़ रखा, कुछ बच्चों ने टच भी नहीं किया उस टॉपिक को, तब क्या प्रॉब्लम आएगी, तब यह प्रॉब्लम आएगी कि वह टॉपिक जो उन बच्चों को एकदम उनको स्ट्रेस में डाल देगी कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अरे मेरा छूट गया। तो कुल मिला के ये है, अभी इस समय जो है आप टीचर से पढ़ने की बजाय इस चीज़ पे फोकस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, लास्ट ईयर के पेपर देखें, रिवीजन करें, पढ़ें, जितना पढ़ लिया उसी का रिवीजन करें, जितना पढ़ लिया उसी का रिवीजन कर ले। मान लो कोई पेपर रह भी गया आपका, छूट गया, नहीं आया, जैसे कि बच्चों के आ रहा है कि बॉटनी का स्टेज फिजियोलॉजी है या जूलॉजी का जो है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी है ना, मान लो उसमें रह गया। वैसे तो मार्केट के अंदर जो है स्टेटिस्टिक्स के जो है, वो स्टेटिस्टिक स्टेट की जो है बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप चाहे वो ले सकते हैं, उसके अंदर लगभग लगभग सारी चीज़ कवर हो जाती है आपके, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है आप चाहें कि नहीं यार अब नहीं, बुक नहीं लेनी, कोई बात नहीं, आप पेपर करें, आप पेपर कीजिए, और फिर भी आपसे अगर कवर नहीं होती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप सेमेस्टर सेकेंड के सारे एग्जाम दोबारा दे दोगे, इस बार बैक आ जाएगी तो सेमेस्टर सेकंड के साथ दोबारा एग्जाम दे दोगे। टेंशन लेने से आपका दूसरा पेपर भी बिगड़ जाएगा, ये तो बिगड़े ही बिगड़ा, इसके साथ साथ दूसरे पेपर भी बिगड़ जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं, आपके सारे पेपर बिगड़े, एक पेपर चला गया चला गया, क्या फर्क पड़ा, सेकंड सेमेस्टर के साथ दोबारा दे देंगे ना हम लोग, ऑप्शन है ना हमारे पास, सेकंड सेमेस्टर के साथ दोबारा दे देंगे। तो अब मैं आपको यही करना है, लोड बिल्कुल नहीं लेना, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, रिविजन करना है, पिछले सालों के पेपर जो है मैक्सिमम जितने हो सके वो देखिए आप, और रिवीजन करिए मैक्सिमम, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके जो एग्जाम है पेपर फर्स्ट 5 को, 7 को, 9 को, थर्ड पेपर 5 को फर्स्ट, सेकंड 7 को, थर्ड 9 को, और लास्ट पेपर जो है आपका 11th को है। और हाँ देखो अभी चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली संभावना ये भी रहती है कि चुनाव को में जब मैक्सिमम कॉलेज, कुछ कॉलेज ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज जो चुनाव में चली जाएगी, तो उससे पहले पहले ये लोग जो केमिस्ट्री का तो प्रैक्टिकल हो गया है आप लोगों के, लेकिन जो बॉटनी जूलॉजी के जो प्रैक्टिकल एग्जाम एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट वाले, जो प्री एमएससी प्रीवियस के सेमेस्टर फर्स्ट के जो एग्जाम पेंडिंग है, वो भी जल्दी ही आपको उसकी डेट देखने को मिलेगी, उसकी भी डेट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो 11 के बाद एग्जाम के बाद आप लोग दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम में लगना है, सीधी सी बात है। तो अभी आप स्ट्रेस ना लें, आराम से पढ़ें, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, आपका पेपर अच्छा जाए।